Hello students, how are you? I am Arun Kumar Tripathi. Today's I will start new chapter tissue में हम देखेंगे जो सेल्स होती है, जब सेल का संयोजन होता है, कई सेल्स आपस में मिलकर बन जाती हैं तो बनता है टिश्यू। ठीक, तो हम देखेंगे जो टिश्यू है, टिश्यू क्या चीज़ है और अपनी बॉडी में इनका क्या फॉर्मेशंस होता है। इन चैप्टर नंबर 3 इट हैज़ बीन डिस्क्राइब दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है सेल के बारे में, जिनमें आपने देखा है कि जो सेल है वो एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा ही बने होते हैं। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज अ सिंगल सेल इन इट्स बॉडी, दैट इज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। मूवमेंट ऑफ सेल, इनटेक ऑफ फूड एंड रिस्पायरेटरी गैसेस O2, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर डन बाय द सेम सेल। हाउएवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। हम देखते हैं जो इनमें देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। तो इस बेस पे हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ रखा है। इनके अलावा नेक्स्ट देखेंगे कि जितने भी सेल्स पाई जाती हैं उनकी अपनी बेसिक फंक्शंस होती है और उस फंक्शंस के तहत ये अपने प्रत्येक सेल्स का अपना फंक्शंस होता है। जैसे कुछ सेल्स होती है जो फूड को इनटेक करने में हेल्प करती हैं, कुछ रिस्पायरेटरी गैसेस में हेल्प करती हैं, कुछ डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, रिस्पायरेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में जिनमें मिलियन ऑफ सेल्स पाई जाती है। मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके की फंक्शन एफिशिएंटली तरीके से करती हैं। दीज फंक्शंस आर टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। दस इस तरीके से हम देखेंगे जो टिश्यूज होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। दैट मीन्स प्रत्येक ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट मीन्स जो टिश्यू होती है वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करती है, इस नाते इनको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करती है, उनमें जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट तरीके की फंक्शंस करती है। नर्व सेल मैसेज कैरी करती है। इनके अलावा इस तरीके से हम देखेंगे कि डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से प्लांट में भी, प्लांट सेल में फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है जबकि जो जाइलम होती है वो वाटर को कंडक्ट करता है। इस तरीके से हमने देखा कि सेल जो होती है वो स्पेशलाइज तरीके की फंक्शन परफॉर्म करती है। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज स्पेशल तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो टर्म टिश्यू है उसको सर्वप्रथम बेकेट के द्वारा क्वाइंड किया गया 1792 में, और साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब हिस्टोस मीन्स टिश्यूज एंड लॉगोस मीन्स हुआ है स्टडी। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अ परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम टिश्यूज। ऑल सेल्स ऑफ टिश्यूज है कॉमन ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नर्वस टिश्यूज,
present in brain, spinal cord and our nerves has nerve cells or neuron which are basically same structurally and functionally. जो group of cells होती है वो एक साथ में work करते हैं, different particular function perform करते हैं. इनके अलावा देखेंगे जैसे human nervous tissues है वो brain, spinal cord या nerves में present होती है, जिनकी अपनी बेसिकली एंड स्ट्रक्चरली जो फंक्शंस होती है उस आधार पे वो वर्क करते हैं. जितने भी नर्व सेल्स होती हैं वो बेसिकली सेल बॉडी सोमा जो जिनमें दो ब्रांचेस होती हैं जिनको डेंड्राइट्स और एक्जॉन कहा जाता है. एक्जॉन का काम होता है कि वो मैसेज को कन्वे करें सोमा से ब्रेन तक पहुँचाएँ. All neurons of nervous tissues originated from same germinal layer called ectoderm. इनके अलावा जितने भी neurons होते हैं जो nervous tissue होते हैं वो germinal layer के द्वारा originate होते हैं जो ectoderm जिसे ectoderm कहा जाता है. Next is importance ऑफ टिशूज. ठीक है, जो टिशूज़ हैं उन टिशू की इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ टिशूज हैज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. टिशूज बिकम ओरिजिनेटेड फ्राम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इन टू ऑर्गन सिस्टम. हम देखेंगे जो टिशू होती है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है. जो टिशूज होती है वो ऑर्गेनाइज करती है ऑर्गन और ऑर्गन ओरिजिनेट करता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम बनाती है बॉडी. वर्क लोड फ्राम इंडिविजुअल सेल डिक्रीज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ टिश्यूज. जो वर्क लोडेड है सेल से वो हट जाता है टिश्यू के ओरिजिन होने से. द रिजल्ट इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंटली मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल्स. इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इफ़िशेंटली मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हायरी सर्वाइवल्स होती है. ये अपनी नर्वस टिश्यू है जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, जिनमें डेंड्राइट्स सेल बॉडी साइटोन होती है और एक्जॉन होती है. ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और इसको हम नर्व सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे वाई प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. जो प्लांट टिशू और एनिमल टिशू है वो सारे अलग अलग तरीके के टिशू से मिलकर क्यों बने हैं इसके बारे में देखेंगे. प्लांट एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज. जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाता है, जबकि प्लांट जो है वो स्टेशनरी फिक्स्ड ही है, जो अपने फूड को सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकता है, जबकि जो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, क्योंकि वो अपने फूड के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे जो प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू में दोनों में क्या डिफरेंस है. तो प्लांट टिश्यू डेड सपोर्टिव और सपोर्टिव होते हैं. जो मल्टी सेलर टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज के कंपेयर्ड के समान ही कामन होते हैं. इनको मेंटेनेंस करने के लिए प्लांट टिश्यू को लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. इनमें डिफरेंटेशंस पाई जाती है. मेरिस्टेम जो होती है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इनमें डिफरेंटेशन नहीं पाई जाती है. इनमें जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है थ्रू लाइफ, और एनिमल्स में एक समय के बाद इनकी जो ग्रो होती है वो ख़त्म हो जाती है. फिफ्थ है जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट टिश्यूज की वो सिंपल है, जबकि इनमें ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्टेशनरी फिक्स हैबिट पाई जाती है, जबकि ये लोकोमोट करते हैं, इनमें मोबिलिटी पाई जाती है. तो ये रही डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. Further, there are some tissues in plants which divided throughout life.
दे डिवाइडेड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह में, इनमें ये ग्रोथ होता रहता है हमेशा। कुछ टिश्यूज होते हैं कि वो डिवाइड होते रहते हैं प्लांट बॉडीज में, और इस तरीके से जो डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट्स में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके के टिश्यूज़ को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। इन कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड एनिमल इज यूनिफॉर्म। ग्रोथ के देखेंगे तो दोनों सेम हैं। इनके अलावा कोई भी डिमार्केशन डिवाइड्स नॉन डिवाइडिंग रीजन, जबकि इनमें डिवाइडेशन पाई जाती है प्लांट्स में, जबकि एनिमल में डिवाइडेशन नहीं पाई जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको आपको अगले वीडियोज़ में, कल के वीडियोज़ में भेजेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। थैंक यू।